जापान. सो आज की जो वीडियो है उसमें मैं क्रिएट करने वाली हूँ इंटेंस आई लाइनर लुक. हाँ, अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि इस तरह से हाई पोनीटेल किस तरह से की जाए, नीट और स्लीक एंड हाई पोनीटेल, तो एंड तक वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा, क्योंकि एंड पर मैंने हेयर स्टाइल बनाना आप लोगों को बताया है कि किस तरह से आप लोग अचीव कर सकते हो ये हेयर स्टाइल. तो टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. ओके गाइस, इस लुक के लिए मैं सबसे पहले अपनी आईज़ को डन करूँगी, देन मैं अपना फाउंडेशन कम्प्लीट करूँगी. तो सबसे पहले मैं अपनी आईब्रोज डन कर लूँगी, और आईब्रोज के लिए आई एम यूजिंग मिनिसो की ब्राउ पेंसिल. ओके, ब्राउज मैंने डन कर ली हैं. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज आईज को मैं प्राइम कर लूँगी सबसे पहले. तो इस नून से ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी. ओके, मेकअप रेवोल्यूशन की नेकेड चॉकलेट पैलेट यूज़ कर रही हूँ, और इसमें से आई एम गोइंग टू यूज ट्रांजिशन शेड. नेक्स्ट मैं ले रही हूँ जे फाइव की पैलेट मधम, और इसमें से आई एम गोइंग टू यूज नोरा. सिर्फ कॉर्नर्स में इसको ब्लेंड करूंगी. अपनी क्रीज को कट करूंगी, लाइक थोड़ा सा बिल्कुल लाइट सा इसको कट करूंगी. बस इतने एरिया में ही कट करूँगी. ओके, नेक्स्ट मैं सेम वही पैलेट ले रही हूँ माइक्रो रेवोल्यूशन की, और इसमें से ये शेड ले रही हूँ. बस ब्रश ले रही हूँ और थोड़ा सा ब्लेंड कर रही हूँ. ओके गाइज, मैं यूज करी हूँ कोलैब का आई लाइनर. Like this. अब मैं जो दूसरा लाइनर अप्लाई करके अभी वापस आती हूँ. अब जो है मैं इस लाइनर के ऊपर ही जो है ब्लैक कलर अप्लाई करूँगी, और ब्लैक कलर के लिए मैं यूज़ करी हूँ रिदा जैन कॉस्मेटिक की पैलेट, और इसमें से मैं यूज़ करी हूँ ये ब्लैक कलर. एक मेकअप वाइप ले रही हूँ, और इससे मैं अपनी जो आईलाइनर है उसको थोड़ा सा शार्प करूँगी उसके एंड्स को.
इस तरह से मैंने अपने लाइनर को शार्प कर लिया है. देन फॉर माई ब्राउ बोन मैं यूज़ कर रही हूँ सेम वही कलर जो मैंने पहले यूज़ किया था. सेम यही कलर मैं यूज़ कर रही हूँ फॉर माई इनर कॉर्नर. मैं वाटर लाइन में यूज कर रही हूँ व्हाइट पेंसिल. ओके, बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन में कि व्हाइट पेंसिल किस लिए यूज होती है. तो व्हाइट पेंसिल जो है उससे आपकी आईज जो है वो थोड़ी सी ब्राइटन अप हो जाती हैं और थोड़ी सी बड़ी लगती हैं आपकी आईज. मैं फेस कंप्लीट कर लेती हूँ. और फेस के लिए आप लोगों को पता है कि मेरी सेम वही रूटीन है. तो मैं फाउंडेशन अप्लाई करके अभी वापस आती हूँ. ओके, फाउंडेशन के लिए मैंने यूज़ किया है मिस रोज़ का फाउंडेशन, मैट फाउंडेशन. कंसीलर मैंने यूज़ किया है रेवोल्यूशन का इन शेड C8. और फेस को सेट करने के लिए मैंने क्रेलॉन का ट्रांसल्यूसेंट पाउडर यूज़ किया है. और नेक्स्ट मैं ब्रॉन्जर के लिए यूज़ करने वाली हूँ लॉरियल का ग्लैम ब्रॉन्ज. तो ये बहुत ही अच्छा ब्रॉन्जर है, बहुत ही नेचुरल लुक देता है. फर्स्ट टाइम मैं यूज़ कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा ये ब्रॉन्जर. इसी से मैं अपने नोज़ को भी ब्रॉन्ज कर लूँगी. ओके, फॉर माई लिप्स मैं यूज़ कर रही हूँ बोटैनिक्स की लिक्विड लिपस्टिक. और ये जो शेड है मेरे पास है 05. बहुत ही प्यारा पिंक शेड है. ओके गाइस, फॉर माय लैशेस मैं यूज कर रही हूँ ये वाली लैशेस जो कि मैंने लोकल स्टोर से ली थी. तो मैं इनको अप्लाई करके भी वापस आती हूँ. सो नाउ फॉर माय हेयर्स मैं करने वाली हूँ स्लीक हाई पोनीटेल. सो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आपने अपने बालों को आयरन कर लेना है. लाइक किस तरह से ऊपर कर लूँगी. ओके, नेक्स्ट आपने अपने फ्रंट वाले बालों को हेयर स्प्रे कर लेना है. ओके, जितना थिक बैंड होगा उतनी ही अच्छी आपकी पोनीटेल होगी. देन आपने एक बालों का पीस लेना है, लाइक स्टेप लेना है, और इसको अपनी पोनी के गेयर जिस तरह से रैप कर देना. सो इस तरह से आपने हाई पोनीटेल कर लेनी है. यू गाइस कैन सी. ओके, सो गाइस दिस इज द फाइनल लुक. होप यू लाइक इट. अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज थम्स अप. या सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन. टिल देन, बाय.